हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही परीक्षाएं हो चुकी हैं, इनकी आंसर की भी भेजी जा चुकी हैं, आपत्तियां भी दर्ज करा ली हैं और आप लोगों ने अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा। अब गाइस, ऐसे में आपको जो बेसब्री से इंतजार हो रहा है वो हो रहा है रिज़ल्ट का, किसके रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं। पहले ये लग रहा था कि रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये 1 सितंबर तक ही रिज़ल्ट घोषित कर देंगे, जिस तेज़ी से उन्होंने आंसर की आपके सामने प्रस्तुत की थी। लेकिन गाइस, अभी रिज़ल्ट को लेकर के थोड़ी सी आपकी देरी हो जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा गाइस, 7 अगस्त को अंबेडकर नगर में लगभग 500-600 बच्चों ने अपना एग्ज़ाम छोड़ा और वहां पे आंदोलन किया था एग्ज़ाम के लिए ही। अब उसकी जो दूसरी सुनवाई है वो 14 सितंबर को होनी तय हुई है, उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि रिज़ल्ट को कब तक घोषित किया जाए। तो अभी फ़िलहाल आपको कुछ दिन, कम से कम कुछ दिन आपको रिज़ल्ट के लिए करना होगा इंतज़ार। लेकिन गाइस, रिज़ल्ट एक्सा बहुत जल्दी ही घोषित होगा, मे बी मिड सेप्टेम्बर और अक्टूबर, हद से हद बस अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा आपके सामने। बहुत तेज़ी से प्रक्रिया चलने वाली है। बाकी अभी उम्मीद भी लगा रहे हैं बच्चे के, 27,000 वैकेंसीज अभी और आनी, हालांकि उसके बारे में कोई जानकारी तथ्य रूप से नहीं है। LT की वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा अभी, हालांकि आपका एग्ज़ाम भी रह रहा है, उसकी तैयारी करते रहिएगा। और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई ताज़ा तरीन खबर हमारे पास होगी तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। आप उसके लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि सूचना का समय सही समय पर मिल जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। तो फिलहाल गाइस, चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।